और यहाँ पे लोग हैं, आई मीन इतनी धूप में भी लोग यहाँ पे सनबाथ ले रहे हैं। मुझे पहुँचे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है एंड मैंने अर्ली चेकिंग मांगा था, बट थाईलैंड में मैंने एक बात नोट की कि कोई भी होटल वाला अर्ली चेकिंग नहीं देता है। मे बी बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हर कोई अर्ली चेकिंग मांगता है, तो उनकी पॉलिसी है कि अर्ली चेकिंग देते ही नहीं है। सो उन्होंने मुझे भी अर्ली चेकिंग नहीं दिया, सो मैंने यहाँ पे ही वॉशरूम में कपड़े बदल दिए अपने, फ्रेश हो गए। नाउ आई एम जस्ट गोइंग आउट टू हैव माय लंच या लेट्स सी और क्या क्या मिलता है बाहर। बट अर्ली चेकिंग के भरोसे मत आना, मेक श्योर कि आप अपने कपड़े आई नो आइदर यू कम ऑन टाइम बाय टू और आप अपने कपड़े कैरी करो लाइक मी, ताकि आप लोग उसको ईजिली पहन के बाहर जा सको रेदर देन यू नो वेटिंग 2-3 आवर्स इन द होटल ओनली। ये होटल की लॉबी, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए है, तो वापस आई विल कम बाय 2-3 एंड गेट माय रूम। सो इट्स टाइम टू गो आउट, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। मेरा होटल पटांग बीच से ऑलमोस्ट आई विल से 1.5 किलोमीटर दूर है और मेरे होटल के बाजू में ही कुछ कमली बीच भी है। सो पहले मैं वो एक्सप्लोर करता हूँ कमली बीच एंड देन आई विल गो टू पटांग बीच, अगर देखते हैं टाइम रहा तो। यहाँ पे मुझे बाइक रेंट का भी देखना पड़ेगा बिकॉज चीज़ें काफ़ी दूर है। सो लेट्स सी बाइक कितने में मिलता है एंड देन मुझे एक दिन का टूर प्लान भी करना है फॉर फिफी आइलैंड और कोरल आइलैंड, डिपेंडिंग कि कौन सा अच्छा है। सो हैव आज विच इज़ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सो आज तो होगा नहीं, कल या परसों में से किसी एक दिन में वो टूर भी प्लान करूँगा एंड आई विल शो यू गाइस कि टूर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या कौन कौन सा आइलैंड लेके जाते हैं, स्नॉकलिंग, स्विमिंग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। एंड ये है मेरा होटल, अगर आपको यहाँ से देखना हो तो पूरा का पूरा रिसोर्ट टाइप का हिल पे आया। सो गाइस ये मेन रोड जहाँ से यू हैव टू वॉक और ट्रैवल बाय बस, कार और जो भी आपके पास व्हीकल है, यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कमली बीच मेरे बाजू में, यू कैन सी बीच तो है यहाँ पे, आई मीन ये एरिया कोसुमी जैसे बीचेस नहीं है, कोसुमी में उन्होंने सारे के सारे बीचेस कवर कर लिए थे, आई मीन जो भी वहाँ के रिसोर्ट्स या बाहर वाले थे उन्होंने अपने अंदर बीचेस डाल दिए थे। सो ऐसे पब्लिक एरिया कुछ नहीं था बीच का, जो बीचेस थे वो सारे के सारे उनके रिसोर्ट्स या क्लब्स में ही थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बीचेस है, थोड़े ओपन बीचेस है जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो। यू कैन सी ये ओपन बीच एरिया, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। देखते हैं थोड़ा सा और आगे कि क्या क्या है। आई डोंट थिंक आगे कुछ है यहाँ पे कि व्यू पॉइंट जैसा लग रहा है। गाइस कमली बीच पे तो कुछ बताने ज़्यादा था नहीं, आई मीन वो बीच था, जस्ट सैंड थी और कुछ 8-10 लोग थे, कोई इतना बड़ा बीच नहीं था या इतनी कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा था वहाँ का, आई मीन लेंस के बच्चा था बिकॉज वो बीच पूरा रोड से कनेक्ट हो रहा था और रोड पे कर्व थे और उसके सीधा सामने बीच था। सो अभी मैं जा रहा हूँ पटांग बीच जो कि मेरे होटल से ऑलमोस्ट 800 मीटर दूर है। सो लेट्स सी वहाँ पे कैसा है। पटांग बीच तो बड़ा बीच है जितने मैंने सुना है, यहाँ कमली बीच से दिख भी रहा था, काफ़ी लोग दिख रहे थे वहाँ पे। पटांग बीच का एक एक्सटेंशन है देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये पटांग का एक एक्सटेंशन लग रहा है, तो कुछ लोग अंदर स्नॉकलिंग भी कर रहे हैं। सो गाइस ये है पटांग बीच, आप लोग देख सकते हो लोग ऑलरेडी पानी में यहाँ पे है। सन बाथ ले रहे हैं, पानी में हैं लोग, अपने अपने हिसाब से लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे
लोग हैं, आई मीन इतनी धूप में भी लोग यहाँ पे सन बात ले रहे हैं। मोस्टली जो लोग आई मीन से वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड से है वही है, बिकॉज वहाँ पे सन इतना इजिली आता नहीं है, तो उन लोग को सन बात लेने का मज़ा आता है। तो भी वही लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मोर और लेस, एशियन लोग काफ़ी कम है, पर ये बीच काफ़ी अच्छा है। अरे वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पे, बैठ कर रिलैक्स कर सकते हो आप लोग, पानी में जा सकते हो। सोच रहा हूँ मैं भी पानी में एक डुबकी मार के आऊँ, उस गर्मी इतनी है यहाँ पे कि इतनी गर्मी में पानी में जाने का मन हो ही जाता है। इसी यहाँ पे कोई पैरासेलिंग कर रहा है, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं, बट कोई तो कुछ कर रहा है। आई थिंक फुकेट में मज़ा आएगा, फुकेट इज़ गुड सिटी। ये सिटी आई मीन बैंकॉक आई मीन थाईलैंड का वन ऑफ द बिग सिटी है काइंड ऑफ बैंकॉक के बाद, बिकॉज चेंग राय, चेंग मार, कोसुमी, ये तीनों छोटी छोटी सिटीज या आइलैंड थे, आई से सिटीज़ भी नहीं आइलैंड थे छोटे छोटे, बट ये एक बड़ा सिटी है जहाँ पे फॉरेनर्स और आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टूर भी करने के लिए बहुत सारे टूर पैकेजेस भी मिल जाएंगे जिनको आप ज्वाइन करके टूर्स कर सकते हो। ओवरऑल काफ़ी अच्छा बीच है।